वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर एक मैच हो रहा है यूएएफई यूरोपा लीग का, स्पोर्टिंग सीपी वर्सेस अटलांटा के बीच 11:15 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। पहला मैच जबरदस्त गया था भाई, टॉप, मतलब कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता इस मैच पे, ए बी ए वर्सेस टी एफ का। उसके बाद अभी एक मैच चल रहा है ए एल ए का, ये भी टॉप क्लास जा रहा है और ए जी एच का भी अच्छा ही जाएगा। अब बात कर लें इस मैच की, तो स्पोर्टिंग और अटलांटा, ये टीम है पोर्टुगीज लीग की, ये टीम है आई थिंक इटालियन लीग की, अटलांटा, ठीक है। तो इसमें ऐसा है, अटलांटा टीम और पोर्टुगीज लीग की टीम से अगर भिड़ेगी तो मुझे लगता है कि अटलांटा जीतनी चाहिए, लेकिन अटलांटा टीम का अपनी लीग में जो प्रदर्शन रहा है वो शुरुआत में बहुत अच्छा था, मिड ऑफ द सीज़न में बहुत अच्छा था, जिसमें वो टॉप फाइव में रहे, लेकिन जैसे जैसे करके सीज़न बीत रहा है ये टीम वीक होती जा रही। तो मेरे को ऐसा है कि स्पोर्टिंग टीम इतनी आसानी से नहीं हारने वाली, इस बात को प्लीज़ अपने कानों में डाल लो कि आपको पता रहे। ये मत समझ लेना कि अटलांटा लगे हाथी जीत जाएगी, नहीं भाई, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी तब जाकर कहीं जीत मिलेगी आज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं इधर स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में ए लुकमैन द ग्रेटेस्ट प्लेयर, और ए लुकमैन के साथ सीडे कैटेलेरी की जोड़ी बिल्कुल नहीं जम रही थी, क्योंकि जब लुकमैन इंजर्ड था या वो नहीं खेल रहा था, जब वो इंटरनेशनल खेलने गया था, तब सीडे कैटेलेरी ने पीछे से बहुत गोल किए थे। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया, जिस कारण फिर वापस आया लुकमैन, तो वो आते ही एक अच्छी फॉर्म में था, तो मेरे को लुकमैन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। उसके बाद मैं ऑपोजिशन टीम की बात करूँ, एफ ट्रिंकाओ खेले, अलेक्सी मिरनचुक खेले, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो दो प्लेयर लूँगा। पहला है वी ग्योकेरेस एंड नेक्स्ट वॉज बी पी दयाल। पी दयाल इनका की प्लेयर होने वाला है, क्योंकि ग्योकेरेस एंड पी दयाल आर बोथ कैप्टन ऑप्शन, आपको पता है लुकमैन भी कैप्टन ऑप्शन है, और ये तीनों भाई साहब बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। इन तीनों में से ही अगर आपने कोई कैप्टन वाइस कैप्टन छांटना हो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और बात करें मिडफील्डिंग की, टी कूप मेनर्स, लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है हर मैच में गोल करता है, ऐसा नहीं है भाई, आपका वहम है। हर मैच में यार टी कूप मेनर्स का गोल रेशियो थोड़ा अच्छा है तो आपको पसंद है, क्योंकि वो पेनल्टी भी कई बार ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए कूप मेनर्स की पेनल्टी गोल और ओरिजिनल गोल को अलग अलग से देखा करो तो आपको पता चलेगा कि क्या है असलियत। उसके बाद पेट्रो गोंक्लेव्स द मेन प्लेयर भाई, गोंक्लेव्स बहुत अच्छा। उसके बाद एम एडवर्ड्स की बात करूँ तो एम मार्कस एडवर्ड्स को लेने का मन था मेरा, लेकिन अब नहीं लूँगा क्योंकि एन गोम्स को इन्होंने डिफेंडिंग से उठा के डाल दिया मिडफील्डिंग में, जिस कारण नूनो गोम्स बिना गोल करे 30 से 40 पॉइंट यूं ही दे जाता है, तो इसलिए मैं इसका फ़ायदा उठाऊँगा और एम पशेलिक को यहाँ से लूँगा, क्योंकि रगरी बैकर और इनका एक प्लेयर था जैपा कोस्टा, वो भी शायद उन्होंने मिडफील्ड डिफेंडिंग में डाल दिया जबकि वो डिफेंडर ही है, और इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों को यहाँ पर डाल रखा है जो कि मिडफील्डिंग करते भी नहीं। आपको पता है रगरी इज़ नॉट ए प्रॉपर मिडफील्डर, बैकर भी मिडफील्डर नहीं है, इन्होंने जान पूछ कर डाला है भाई। उसके बाद मैं डिफेंडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अभी मैं लूँगा स्कैल्विनी को, स्कैल्विनी के बाद देखिए मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, बट आई एम नॉट टेकिंग रिस्क भाई। मैं तो देखो ऐसा है कि मैं इनाशियो के साथ जाऊँगा, इनाशियो के बाद जो मेरे को ना जो प्लेयर पसंद आता है मैं उसको लेता हूँ, और नेक्स्ट प्लेयर वॉज रियस, ठीक है, तो इसके साथ जाऊँगा। और गोलकीपिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा अटलांटा टीम का प्लेयर एम कार्नेस्ची, और बात करें कैप्टन की, देन माई कैप्टन वॉज यहाँ पर जो मेरा कप्तान है, बहुत सारे ऑप्शन हैं अनगिनत, तो मेरा आज जो कैप्टन रहने वाला है दैट वाज पॉलिनो दयाज, और मेरा वाइस कैप्टन है वो है भाई रे लुकमैन। देन दिस इज़ माय टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।